हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया एंड वेलकम टू माय किचन सोनियाज ईट्स एंड ट्रीट्स। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की रस वाली सब्जी। इसे बनाने के लिए हम छोटे आलूओं का इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छे से छील लीजिए और दो टुकड़ों में काट लीजिए। गोभी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे हम। देखिए बिल्कुल इस तरह से ये सब्जी छोटे आलू से ही बहुत ही स्वाद बनता है दोस्तों। एक पैन में पानी बॉयल कीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, गोभी को डाल दीजिए। उबाल आने पे गैस को ऑफ कीजिए और ढक कर छोड़ दीजिए। मिक्सी में लीजिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, एक प्याज, एक टमाटर और इसे बारीक पीस लीजिए। रेसिपी अच्छी लगने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गोभियों को छान के साइड कर लीजिए। एक पैन में सरसों का तेल गर्म कीजिए। ये सब्जी सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनेगी। जैसे ही तेल गर्म हो उसमें डालिए तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, एक सूखा मिर्चा तोड़कर और अपने ब्लांच किए हुए गोभी और आलू को हम इसमें फ्राई करेंगे और इसे लाल लाल फ्राई करके निकालना है। ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए, हल्का। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तेल में अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अपनी ये पीसी हुई प्याज और टमाटर की पेस्ट और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर दो चम्मच, जीरा पाउडर, मिर्ची स्वाद अनुसार। गैस धीमी करके इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये मसाला तेल रिलीज़ करेगा इसका मतलब हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे एक से दो चम्मच मटर के, ये ऑप्शनल भी है। आप इसमें अब डाल दीजिए गोभी जिसे हमने फ्राई किया था। इसे अच्छे से कोट कर लीजिए मसाले में और डालिए पानी कि ये सब इसमें डूब जाए। गैस को धीमा करिए और ढक दीजिए पकने के लिए। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है। इसे चेक करने के लिए हम एक लेंगे चक्कू और आलू में डालेंगे। अगर ये आसानी से चला जाता है यानी आलू हमारा तैयार है, मटर भी पक के तैयार है। इसे अब हम गरम मसाला डालेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। 5-10 मिनट के लिए ढक दीजिए और बन के तैयार है आलू गोभी रस। रेसिपी अच्छी लगने पर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, इन्जॉय कीजिए।